हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ नारियल मार्केट। और नारियल मार्केट में जो आप ये नारियल देख रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ साथ बहुत ही अच्छे सदस्य का, और सदस्य से आज मैं आपको रूबरू कराने के लिए जा रहा हूँ। तो उसका आप यहाँ पे देखेंगे आशीष ब्रदर्स, और आशीष ब्रदर्स के साथ में शिवा फ्रूट्स कंपनी, और जो यहाँ के प्रधान जी भी और चेयरमैन भी है। और नीत सर से मैं मिलवाने के लिए जा रहा हूँ आज। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया भाई। सर आपके नाम से तो हम सभी वाकिफ हो चुके हैं, आपकी फर्म के नाम से भी हम सभी जानते हैं, वैसे भी आपको पूरी मार्केट जानती है ऑलरेडी। सर आज का जो डाब का रेट है वो क्या रहा है? आज का यही चल रहा है 28 से 30 रुपए। 28 से 30 रुपए। बाजी बारिश आ गई तो और भी रेट डाउन जाने के चांसेस है? डाउन इससे डाउन नहीं जाएगा, इससे डाउन नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने में तो आके भी नहीं पड़ेगा ना। अभी ऐसे ही है, बराबरी में ही छूट रहे हैं जी। तो बाबूजी वैसे आज अरेवल कितना है गाड़ी में? अरेवल है 34 गाड़ी। 34 गाड़ी, और बैलेंस भी है इसमें या नहीं? बैलेंस नहीं है, सारा 34 नया माल है। तो बाबूजी आज वैसे मार्केट कैसी रही है? मार्केट ठीक है, ऐसे चलती रहेगी, एक 28-30 गाड़ी तक बिकती रहेगी। अच्छा बिकती रहेगी अभी, फिर जनवरी में जाके ना जी फिर 10-15 गाड़ी की लेवल आ जाएगी। 10-15 गाड़ी की, यानी कि जनवरी यानी कि दिसंबर में भी है। हाँ जी हाँ, ठीक। और बाबूजी आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9312367। आपका शुभ नाम और आपकी कंपनी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी आज के रेट पर। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ सेब मार्केट में, और सेब मार्केट में जो आपके सेब देख रहे हैं इसकी क्या पोजीशन रही है, क्या मार्केट रही है, और क्या मार्केट के साथ साथ कैसा प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स है, आज मैं आपको बताने से पहले एक नज़र आपको दिखाता हूँ सेब मार्केट का। ये आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे सेब मार्केट है। मैं 9 नंबर फट पे हूँ, और आज जो मेरी मुलाकात हो रही है वो बाबूजी से हो रही है, जो से हम ऑलरेडी जान चुके हैं, मिल चुके हैं। हेलो बाबूजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जनाब जी। आपका शुभ नाम बाबूजी? मेरा नाम ओम प्रकाश कोहली है जी। अपनी फर्म का नाम क्या होगा बाबूजी? फर्म का नाम है शिवांगी फ्रूट्स। शिवांगी फ्रूट्स जी। अपने पास जो आज सेब है ये कहाँ का और क्या रेट चला है मार्केट का? कश्मीर गुलमर्ग टंगमर्ग का माल है जी। ये 800 से 900 850 से 950 ये वाला जो रखा हुआ है बाबूजी, ये वाला 850। क्या पेटी का वजन कितना होगा बाबूजी इसका? इसका वजन होगा 18 किलो पेटी का वजन। ये पीछे वाला जो है, हाँ जी, ये 950 है। अच्छा, इसका वजन होगा आपको 18-19 किलो। 18-19 किलो इसका वजन ही वजन है बाबूजी। आगे उधर वो लार्ज पीस रखा है ना, वो 850 है, 4 लेयर है, और 850 का उसका रेट। इसी इलाके का माल है, टंगमर्ग का, सारा टंगमर्ग का। और बाबूजी आज सूफियान और सुपौर की क्या वो पोजीशन रही होगी? मेरी उम्र नहीं, आपकी उम्र नहीं बाबूजी, जो सेब है वो सूफियान का क्या रेट चला आज मार्केट में? सूफियान का, हाँ जी, सूफियान का रेट है 1200 रुपए तक, 1200 रुपए तक का। और इसका सुपौर का? सुपौर का, हाँ जी, सुपौर का बिक जाता है 800 रुपए तक, 800 रुपए तक का बिक रहा है बाबूजी। अपने पास वो अमेरिकन भी रखा है ना भैया, महाराजी है ये वो अमेरिकन है मीठा वाला जी। ये 2 नंबर का माल है, ये बिकता है 500-550। पूरी पेटी बाबूजी या पूरा डिब्बा है इसका? एक पेटी बड़ी बड़ी पेटी है, 15 किलो वाली, 15 किलो वाली। इसका क्या रेट है? 500-550। और डिब्बे का? डिब्बे का रेट है 400 से लेके 550 तक। अच्छा, अव्वल नंबर। अच्छा, अव्वल नंबर। और बाबूजी यदि कोई व्यापारी अपना माल आपके पास लगाना चाहे तो लगा सकता है? बिल्कुल बेस्ट। उसके लिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9213 जी, 713 जी, 998। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी आज का रेट बताने के, आज की पोजीशन बताने के लिए। गाइस बाबूजी ने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत ही बहुत पुराने चेहरा है, और चेहरे के साथ में जो इतना अनुभव है, यानी कि यहाँ पे बैठे बैठे सारी मंडी को कवर करते हुए सारी चीज़ों का रेट हमें बताया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बाबूजी। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आयान 5 स्टार आज़ादपुर चैनल से आप सभी के सामने तरबूज मार्केट में आ चुका हूँ। ये यहाँ के सभी कार्यकर्ता हैं जो आप सब देख रहे हैं, और इन सब के साथ में हेलो अंकल। हेलो, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। व्हाट्स योर गुड नेम अंकल? खुराना, गुलशन खुराना। अच्छा, आप यहाँ पे मार्केट करने के लिए आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू, ऐसे करते रहिए। और गाइस आज चलते हैं जो कि हमारे सर हैं, और काफ़ी दिनों से कैमरे पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि बिजी चल रहे थे। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते, नमस्ते जी। आपका शुभ नाम तो हम सब जी जान चुके हैं, फिर भी आपके नाम से जी, ठीक है। और सर आज जो अपने पास तरबूज है ये कहाँ का और क्या रेट है? महाराष्ट्र का है, 42 रुपए किलो। 42 रुपए किलो। ये दिन पे दिन ठंडी बढ़ती जा रही है, और सीजन जैसे आ रहा है शादियों का, जंगल में माल नहीं है ना, जंगल में आमदनी के ऊपर होता है जी, तेजी मंदा तो आमदनी के ऊपर होता है। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज 42 तक का रेट रहा है। और सर्दे का? 17 तक मिलता है, 450 का 5 दाना। 450 का 5 दाना। ये सूर्य या संतु?
संतु और सूर्या इससे भी सस्ता होगा, उससे भी दस में ठीक है। और सर अपने पास तो सादाना भी रखा है शायद ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी आपका, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बोल दीजिएगा। 98184। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। और आज मैं आपको एक नज़र फिर से दिखाता हूँ सर की गोडाउन में। यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ राजा बाबू के बॉक्स जो रखे हुए हैं ये सब बिक चुके हैं, वहाँ पे उधर पैक होता है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर पैक होने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये खरीदार सब है। और आप देखेंगे यहाँ तो इन खरीदारों के साथ साथ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स सभी बिक चुके हैं और ये पैक होता है यहाँ पे इस तरीके से, ग्रेड क्लियर किया जाता है 7 दाना 6 दाना 5 दाना, और उसके बाद में यहाँ तक दूर तक कई का माल लगा रहता है जो कि बिक चुका है। बहुत बहुत हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ मौसमी मार्केट। ये जो आप नई फसल नया रंग यानी कि हरे रंग का जो आप फल देख रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि मौसमी है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, और ये पीला और ये चूरा। तो आपको सारी क्वालिटियों की भी नॉलेज हो जाएगी धीरे धीरे ये भैया के साथ में आकर रहेंगे। भैया आपका नाम? नाम विजय कुमार। विजय कुमार भैया, तो ये यहाँ की टीम है हमारी जो हम सबके लिए ग्रेड तैयार करती है, और ग्रेड तैयार करने के साथ साथ हम लोगों को अच्छा माल की क्वालिटी की पहचान भी कराती है, तो उसके लिए लेके चलते हैं। तो गाइस आज जो यहाँ की जानी मानी हस्ती हमारे यहाँ से जो मौसमी की नई फसल के साथ में भी अपना व्यापार को चला रहे हैं, तो आज उनसे बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी आपका शुभ नाम? नासिर मलिक। जी अपनी फर्म का नाम सर? नासिर ट्रेडर। आपको कितना टाइम हो गया अपने यहाँ पे काम करते हुए हमारे नासिर? मेरे को हो गए तकरीबन 13-14 साल। 13 नहीं, अपनी फर्म तो उससे भी ज़्यादा पुरानी है। फर्म को 15 साल हो गए। फर्म को 15-16 साल हो चुके हैं। तो गाइज इतनी पुरानी फर्म के साथ में जो आज मौसमी का व्यापार कर रहे हैं, आज भी मौसमी का रेट क्या चल रहा है, क्या पोजीशन रही है? पोजीशन रहेगी भाई आज 24 रुपये से लेके 40 रुपये, 24 रुपये से लेके 40 रुपये तक की पोजीशन रही है आज मौसमी की, एक नंबर तक। नया माल है? हाँ नया माल है, नई फसल है। लेकिन सर उठान कैसा है आज, जैसे मंडे एक दिन की छुट्टी रही है कुछ? थोड़ा मौसम का असर है, थोड़ा उठान हल्की है जी। कितनी गाड़ियाँ होंगी आज मौसमी की? आज 7 गाड़ी है। 7 गाड़ी है। यदि कोई व्यापारी अपना माल लगाना चाहे या कोई खरीदना चाहे थोक में, तो उसके लिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगा, प्लीज़ एक बार बता। नंबर बोर्ड में लिखा हुआ है, बोर्ड का फोटो डालो। ठीक है, मैं बोर्ड का फोटो दिखा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर सर, आपने आज का रेट बताया, आज की पोजीशन जाना, और देखते हैं गाइस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड, और बोर्ड के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ों का मिल रहा है, सब कुछ ऑप्शन है। और उसके साथ एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ मौसमी मार्केट में, किस तरीके से मौसमी मार्केट है। तो शुक्रिया गाइस आज का रेट जानने। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ अनार मार्केट, और अनार मार्केट का जो आज पोजीशन हमें बताने वाले हैं वो यहाँ की बहुत ही जानी मानी हस्ती, और लेके चलते हैं सर के पास। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो बढ़िया जी। जी सर आज आपका नाम बता दीजिए प्लीज। कलाराम परमार। और अपनी फर्म का नाम? एमएफसी मोमाई फूड कंपनी। जी सर अपने पास जो आज ये अनार है ये कहाँ का और क्या रेट है, इसकी क्या पोजीशन है? इससे मोटा बेचा है 1000 रुपये का जी, 800 का है, 700-600, 300 से लेकर 1100 रुपये तक रेट है आज की गुजराती। हाँ जी। और सर महाराष्ट्र क्या रहा है? 1500-1600 रुपये। और कम से कम का? कम से कम 7-8 सौ। 7-8 सौ से स्टार्ट हो गए, 1500 रुपये लास्ट हो रहा है, ये 300 रुपये से स्टार्ट हो गए, 1100 रुपये फिर लास्ट है। और आज जैसे मंडे है, एक दिन की छुट्टी रही, तो कैसा उठा रहा है मंडी में? आज थोड़ा नीचे रहेगा रेट, क्योंकि कल छुट्टी थी, आज ज़्यादा माल आ गया। अच्छा माल ज़्यादा आ गया, कितना लेवल होगा सर आज अपना? ये आज लेवल होगा कम से 30 गाड़ी। 30 गाड़ी होगा, हाँ लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब, और आज 25-50 रुपये कम मात्रा कम है और दे। चलिए सर, सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9811-44-7794। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की पोजीशन बताने के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ माल्टा मार्केट, और माल्टा मार्केट में जो आप ये सब देखते हैं ना ये ग्रेडिंग के लिए बैठे हुए होते हैं, और ये यहाँ पे ग्रेडिंग करते हैं, यानी कि माल्टा का एक नंबर। भाई साइज तो बहुत ज़्यादा आने लगा है इसका, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और वो पीला और उधर चूरा, तो इस तरीके से हो गया है क्वालिटी का ग्रेड। और इस ग्रेड के साथ साथ आज फिर से लेके चल रहा हूँ मैं आप सभी को रेट जानने के लिए अपनी दुर्गा एजेंसी पे। आप कभी भी आएंगे ना, आपको आते के साथ एंट्री करते के साथ हमारे अंकल आपको यहीं बैठे हुए मिलेंगे। और अंकल जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या आपकी फ्रॉम का नाम बताते हुए आपका नाम भी बता दें जी? डीएफए दुर्गापुर जी। अंकल आपका नाम? मुकेश कुमार वधवा जी। आज जो माल्टा है अपने पास ये कहाँ का और क्या पोजीशन चल रही है इसकी? मार्केट है ये समझो 10 रुपये से लेकर 26-27 रुपये तक। 26-27 रुपये तक
भाजी अब तो इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ने लगा है सर्दी की वजह से। मोटा हो गया बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि अब से पहले मैंने इतना माल्टे का साइज नहीं देखा यहाँ। बहुत ओवर साइज हो गया, बहुत ओवर साइज है जी। मीडियम साइज की डिमांड ज्यादा है, ओवर साइज की डिमांड नहीं है। अच्छा, चूड़े में गिना जाता है, मोटा साइज ज्यादा। तो इसमें तो फिर आपको नुकसान होता होगा। मोटा नुकसान होता है, ये चूड़ा में कई 15-16 का किलो है। अच्छा, वहाँ से उठाई ज़्यादा की है, यहाँ पे 15-16 की निकली है, तो नुकसान तो चाहिए थी जी। अच्छा भाजी, इसमें ये जो मोटा साइज हो जाता है, इसके टेस्ट में भी कोई डिफरेंस हो जाता है? टेस्ट में और अच्छा हो जाता है? ठीक भाजी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9807 9810 5250। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज का रेट बताने का, आपकी पोजीशन बताने के लिए। इतने बिजी होने के बाद भी भाजी हमारे साथ इतना अच्छा टाइम बिताते हैं। मैं बताऊं, बात करते करते हमसे बात करते करते भी अपना काम कर लेते हैं। और यहाँ पे सब आप देखेंगे ग्राहक, और एक नज़र आपकी मंडी की, बहुत ही ठंडी में ठंडा मौसम हो जाता है, और ठंडे मौसम की वजह से जूस जो है कम हो जाता है लोगों की लाइफ में, तो उसी की वजह से यहाँ पे भी ठंडा आ जाती है, आप सब देख सकते हैं सामने। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे जूस का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। थैंक यू। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ किन्नू मार्केट, और किन्नू मार्केट में जो आज की रेट की पोजीशन हमें बताने वाले हैं, चलते हैं भाई के पास, जो कि यहाँ पे हैं बहुत खास। और क्योंकि खास का रीज़न है क्योंकि उनका नाम है राजा जी भाई, और उनकी फ्रम का नाम भी राजा, उनके पास में फल भी राजा, तो राजा राजा राजा। तो इस पेड़ राजा जी, आपका नाम हमने इतनी बार ले दिया, आप फ्रम का नाम बता दीजिए। मेरी फ्रम का नाम भी राजा फ्रूट कंपनी है भाई। ठीक है, और अपनी फल का नाम? मेरा फल का नाम किन्नू है, किन्नू राजा नहीं है, राजा आता है मेरे पास, राजा पाइनएप्पल आता है। हाँ, राजा पाइनएप्पल आता है ना। तो आज किन्नू की पोजीशन बता दीजिए आप। किन्नू की पोजीशन मिक्स चल रहा है, लेके 16 से 18 रुपए, जो पीला है वो 20 रुपए बिक रहा है, एक नंबर लेके 23 रुपए 25 रुपए बिक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417843 07। सर थोड़ा स्पीडली नहीं, थोड़ा लाइटली बताइए, जो किसान लोग हैं बेचारे। 7417843071। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आज का रेट बताने लिए। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ अंगूर मार्केट, और अंगूर मार्केट में जो आप ये अंगूर देख रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको और भी वैरायटी के और मतलब क्वालिटी वाले अंगूर दिखा देते हैं। आप काला अंगूर देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि काले अंगूर की क्या क्वालिटी है और किस क्वालिटी के हिसाब से ये यहाँ पे चला है। आज की पोजीशन जानने के लिए मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ पहले मार्केट की। आज एक दिन के बाद ठंडक रही है, उसके बाद मौसम भी ठंडा, और मौसम के साथ मुझे लग रहा है ग्राहक भी ठंडा, तो वाकई में ऐसा है यानी। तो चलते हैं भैया के पास। हेलो भैया, कैसे हो आप? आज सर ठीक है, आप बताइए। जी मैं बढ़िया, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज़। गुप्ता, सिद्धिविनायक, C650। जी सर, अपने पास जो आज ये अंगूर है ये वाला, ये कहाँ का और क्या रेट है? ये सांगली का है, ताज गाँव का। हाँ जी, बारिश की वजह से खराब आ रहा है। हाँ, 600-550 बिक रहा है आज का। हाँ, एक पैन 5 किलो वजन के साथ। हाँ, 5 किलो वजन के साथ जी। और काला वाला? काला वाला भी यही रेट बिक रहा है, सेम 600-650 जैसा। और जो दूसरा वाला होता है हरा वाला, गोल वाला? गोल 4-450 रुपए तक का है आज का। अच्छा, बारिश की वजह से माल खराब हो गया जाएगा। अच्छा, ग्राहक पकड़ नहीं रहे। और आज की जो आवक है, आज की आवक क्या है? आज की आवक है कम है। ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि स्टोरेज माल रखा हुआ है ना। हाँ, स्टोरेज भी है, बाकी पीछे से बारिश की वजह से माल खराब, माल नहीं आ रहा है, काफी नुकसान हो गया है, काफी यहाँ माल सब गीला पहुँच रहा है। आगे ट्राई कर रहे हैं बेचने के लिए जी, अभी मार्केट का ओपन रेट नहीं हुआ है, आइडिया यही है। सफेद अंगूर 400-450 बोल, और सोना का 500-650 रुपए तक, और काला 500-650। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोलिए। 9873973666। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज का रेट बताने के लिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ शरीफा मार्केट, और शरीफा मार्केट में जो आप ये शरीफा देख रहे हैं, ये गोल्डन शरीफा से हम जानते हैं। आज जो बहुत ही ऑनरी माल है उसका रेट 1200 है, लेकिन जो मीडियम यानी कि जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये 800 से 1000 रुपये का पर बॉक्स है, जिसके अंदर 10 किलो वजन का शरीफा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत ही ऑनरी माल 1200 रुपये तक का है, तो मैक्सिमम जो मिनिमम से मैक्सिमम 800 से 1000 का रेट रहा है ज़्यादातर। उसके अलावा तो 400, 500, 600 वो जो आप देख रहे हैं उधर साइड में, ये 600 रुपये तक की भी बॉक्स रही है यहाँ से। तो इस क्वालिटी का उसका और ऐसी क्वालिटी का, ऐसी ऐसी क्वालिटी का अलग अलग रेट हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और इन सबके साथ साथ आज शरीफे का रेट देसी वाले का भी जान लेते हैं। तो ये जो देसी शरीफा है इसकी बात कर रहा था, और ये देसी शरीफा यानी कि ये राजस्थान में 16 पर का होता है हमारे यहाँ, और इसका जो आज का रेट है वो 500-600 रुपये है। आप क्वालिटी के साथ में माल भी देखेंगे, माल के साथ में इसका रेट मिलता है। थैंक यू एवरीवन गाइस, आज का रेट जानने के लिए थैंक यू सो मच। एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ सिंगाड़ा मार्केट, और सिंगाड़ा मार्केट पे आपको एक नज़र दिखाते हुए
आज यहाँ की बोली का लुत्फ उठाऊंगा लाइव। तो आज हम लाइव देखेंगे यहाँ पे सारा, ये गाइस ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लाइव बोली चल रही है सिंगाड़े की। तो आज देखते हैं लाइव में क्या मिलता है। अरे कुछ नहीं मांग रहा, ये बोरी जो आप सामने रखी देख रहे हैं 480 का रेट लग चुका है। अब इससे कितने में देता है यहाँ का आरती या मासा खोरी वो जान लेते हैं। आगे जितना वो करो उतने देख लो। ये देखो माल को कैसे चेक करा के दिया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो माल कितना सुंदर साफ है। देखोगे जब मैं तो कौन लेगा भाई, मत ले मत ले। कैसे हो अंकल, बोलो बोलो। तो गाइस जो आज की पोजीशन है वो ये 470 नेट, 480 और 460 जाए 80 वाला, 80 480 तो गाइस आज की जो पोजीशन है वो 500-600 के बीच में रही है इस वाले की, और कंठल वाले की 400-500 आज की सिंगाड़े की पोजीशन। मगर हिम्मत लोगों में भी नहीं है, कोरोना के चक्कर में पैसा कुछ निकल गया है रेड़ी पटरी वालों का, इसलिए ग्राहक भी थोड़ा कम आ रहा है। माल अच्छा आ रहा है, आप जो भी खाएं अच्छे खाएं, दुकानदार भी ले जा रहे हैं। मगर जो 20 क्रेट लेता था वो आज के टाइम पे 10 क्रेट ले रहा है, जिस कारण थोड़ा बाजार मंदा है। और मौसम की भी मेहरबानी हो गई है, दिल्ली के अंदर मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, रात को भी बारिश पड़ी है, जिस कारण ये बाजार जो है थोड़ा ढीला हो रहा है। भाजी आज की जैसे अभी बताया 96 दाना हम 800-850 का दे रहे हैं, तो 205 और 141 का क्या रेट है? इसकी पोजीशन जो है जो लाइन वालों की है जी, वो 400 से लेके शुरू है, 225-205 और इससे ऊपर जो है 600 है, फिर 700 है, फिर 800 है, करीबन 900 रुपए हैं जो भरते हैं वो 1000 के टेढ़ में है लाइन से, 1000-1100 भवानी मंडी की 1300 रुपए की भरते हैं, 1400 की भी बिक्री है कोई कोई, वरना 1200-1300 की लाइन बढ़ते बिक रही है भवानी मंडी की। भवानी जो उनके छोटे दाने हैं 205 दाना वो 600 रुपये का बिक रहा है, 91 दाना 800 का ही बिक रहा है, 850 का भी 750 है, 71 उनका बिक रहा है 1000 रुपये, 1050 का, और 96 उनका बिक रहा है 1300 रुपये का, 41 उनका 1200-1300 रुपये का। बहुत शुक्रिया। भवानी मंडी हमारे पांडुरना लैंड से ऊपर जा रही है, क्योंकि वो थोड़े जवान हैं मान, इसलिए उनके रेट थोड़े अच्छे हैं। और दुकानदार जितना है वो पहले कोशिश मजबूत वाला ले रहे हैं, बाद में हमारे पास आता है, और हमारे माल भी बहुत अच्छे हैं और मजबूत। अब किसान लोग बहुत समझदार हो गए और बहुत अच्छे माल भेज रहे हैं, कोशिश है व्यापारी भी वहाँ के जो ले रहे हैं वो भी माल मजबूत ले रहे हैं, और जिस कारण ये दिल्ली पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाव जी आज का बताने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आज की जैसे कि संतरे की, मैं जब भी आता हूँ संतरे की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, कौन सा संतरा आपको खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कहाँ से आपको खाना है, कहाँ से नहीं खाना है, उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ आपको रेट भी बता दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू एवरीवन। आप आज देख सकते हैं मंडी की एक नज़र कि मंडी में कैसी है। बाबूजी मंडी वैसे कैसी रही, कितनी आवक है आज? आवक जो है 12-13 गाड़ियाँ हैं हमारी लैंड की जी, और कम से कम जो है 20 गाड़ियाँ भवानी मंडी की, और लूज अलग, लूज की हमारी गिनती नहीं होती, वो कितनी आती है कितनी नहीं हम वहाँ की खबर नहीं रखते, खबर हम बड़े आड़तियों की रखते हैं जी। जो लोग हमारे साथ यूनियन में हमारे साथ हैं जुड़े हुए, उनकी हम रिपोर्ट आपको देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आयान 5 स्टार आज़ादपुर चैनल से आप सभी के साथ में। आज सबसे पहले एक दिन की छुट्टी के बाद एक अच्छे जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने दर्शन करा देता हूं आप सभी को। तो बाबूजी सबसे पहले आपको नमस्कार। धन गुरु नानक बाबूजी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूजी अपना नाम हम आपका सभी जान चुके हैं, फिर भी एक बार आपसे जानना चाहेंगे। विक्की ट्रेडर्स फर्म का नाम है जी। मोबाइल नंबर जो है 9811117144। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो संतरे आए हैं हाँ जी, लगभग बहुत ही बढ़िया, सबके पास आए, मेरे पास नहीं सबके पास आए हैं। लैंड के संतरे जो हैं आज 13 गाड़ियाँ हैं,
और वानी मंडी के जो है वो कम से कम करीब जो है मेरे हिसाब से सवेरे 18 थी मगर 22-20 के करीब होंगी, और लूज भी आ रहा है, वो लूज में भी काफ़ी हलचल मच रही है। लूज मंदा बिक रहे हैं, इधर जो हमारे लाइन के संतरे हैं बहुत क्वालिटीदार, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और मजबूत आ रहे हैं। किसान लोगों ने जो बगीचे रोके हुए हैं संतरे मजबूत वाले रोके हैं, और मुलायम वाले जो माल हैं वो मद्रास और आपके कलकत्ता और केरल साइड निकाल रहे हैं, जो बांग्लादेश और जो दिल्ली आ रहे हैं वो मजबूत संतरे आ रहे हैं, क्वालिटीदार आ रहे हैं, अच्छे संतरे। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ पपीता मार्केट, और पपीता मार्केट में जो आप ये पपीता देख रहे हैं आज की इसकी पोजीशन जानने के लिए हम चलेंगे अंदर, और से अंदर से पहले मैं आपको दिखा दूँ ये बाहर से थोड़ा सा आपको, ये जो है गोदाम है, इसके लिए जो गाड़ी लगती है उधर साइड में लगती है या फिर इधर की साइड में लगेगी, और उसके बाद ये माल लेकर के लेबर अंदर आती है, फिर इसे ये पकाने के लिए अंदर रखाते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं बाबूजी से जानने के लिए सारा सब कुछ। हेलो सर जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है जी। आपके हाथ में जो ये पपीता है इस टाइम, ये ऑर्गेनिक फार्म से सारा, ये ताजी गाड़ी से उतर कर आ रहा है, ताजी गाड़ी से तो जंगल से आके अभी इसकी क्वालिटी बनाई जा रही है। अच्छा, अब इसकी क्वालिटी बनाने के लिए आप पैक करते हैं, उसके बाद से भट्टी में पकाते हैं? भट्टी में बनाते हैं, उसको बिना मसाले के लगाना पड़ता है जी। कल खुलने वाला अलग, परसों खुलने वाला अलग, 2-3 रोज के मतलब का करा जाता है, जिस तरह से होता है उस तरह से तैयार करके बेचते रहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अभी आपके हाथ में बिल्कुल मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग लग रहा है, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे ऑर्गेनिक या मसाले से भी तैयार है जो आपके हाथ में? ये मसाले से नहीं है, ये पेड़ का पका हुआ है। पेड़ का पका हुआ है, गाड़ी के अंदर इस तरह कलर लिया, बाकी यही मीठा होता है, यही मीठा होता है। अभी ये कितने दिन तक और चल जाएगा? ये 3-4 दिन तक भी रुक जाएगा, अगर बिना उसके गरमाई के बगैर होगा, फ्रिज में नहीं रखे हैं। हाँ, बाहर ही रखे हैं, कागज के अंदर लपेट के सिर्फ। अच्छा, और अगर इसे भट्टी में आप पकाएंगे तो उसके बाद कितने दिन तक? तो खराब हो जाएगा भट्टी के अंदर, ये भट्टी के लायक नहीं है। अच्छा, ये भट्टी के लायक नहीं, भट्टी के लायक जो बिल्कुल कच्चा होता है भाई, आप डालते हैं कच्चा होता है जैसे भाई के हाथ में जी, नहीं ये रखता है जी, ये 2-3 बनाई जा रही है। अच्छा, बहुत फुर्ती में काम करता है बच्चा आपका। नीचे लगाने वाले ही हमारे डायरेक्टर साहब हैं। अच्छा अच्छा, डायरेक्टर साहब आपसे, इनको डायरेक्टर साहब ऊपर आने जरा, इनसे मुलाकात बाकी, भट्टी को देख लो आप। जी ठीक है, जरूर आपने कहा है तो जरूर मैं देखूंगा भट्टी आज, और भट्टी के साथ साथ गाइस मैं चलता हूँ, बहुत ही खौफनाक रास्ता लगता है मेरे को। रेट, आपका नाम और आपकी फर्म का नाम तो बोलिए एक बारी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है जी, और आपकी फर्म का नाम? फर्म का नाम है अरहम फ्रूट कंपनी। अरहम फ्रूट कंपनी जी। इरफान भाई के यहाँ से आज हम पपीते की पूरी जानकारी ले रहे हैं, और आज का पोजीशन क्या रही है, रेट क्या रहा है? आज का रेट रहा है कच्चा पपीता बंद गाड़ी बिका है 25 रुपए किलो का, और पक्का पपीता? पक्का पपीता बेचा है 35 रुपए किलो का, 35 रुपए किलो का। तो आज रेट बढ़ गए? जी आज रेट बढ़े हैं, मार्केट में माल कम है। अच्छा, मार्केट में माल कम है, इसकी वजह से रेट बढ़ता ही है, वो तो हम सभी चल रहे हैं उनमें ज्यादा माल सप्लाई। जी हाँ, बहुत शुक्रिया भाई। हमारे जो है हमारे ये कप्तान साहब, इनसे माल बनाने की इनको तरकीब है, जो नीचे माल बनाते हैं इनसे बात करो आप। तो सर आप अपनी तरकीब को बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे या सीक्रेट रखना चाहेंगे? गाइस मैं आपको